आज के इस वीडियो में मैं कराने वाली हूँ आपको मेरे टेरेस गार्डन का टूर। मतलब कि मैं बताने वाली हूँ कि मेरे घर की छत पर अभी कौन कौन सी सब्जियाँ लग रही है और उनमें किस तरीके से फ्रूटिंग हो रही है। और साथ में मैं बताने वाली हूँ कि आप भी इस तरीके से छत पर बहुत ही नाम मात्र के खर्च पर किस तरीके से अपना खुद का छत पर टेरेस गार्डन बना सकते हैं और उसमें लगा सकते हैं आप ढेर सारी सब्जियां जो कि ऑर्गेनिक रूप से ग्रो हो जाती है। उसमें हमें कोई भी खाद या केमिकल का यूज नहीं करना होता। अगर आप भी छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो मैंने अपने घर की छत पर बारिश के मौसम की ढेर सारी सब्जियां लगाई हैं और उनमें हो रही है बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग। हर 3-4 दिन में हमें छत से ढेर सारी सब्जियां तोड़ने के लिए मिल जाती है और इन सभी सब्जियों को मैंने घर पर ही ग्रो बैग बनाकर उनमें लगाया है। साथ में कुछ क्यारी भी बनी हुई है और मैंने मार्केट से कोई भी खाद खरीद कर इन पौधों में नहीं दी है। तो हमारे घर पर जो भी सामान उपलब्ध होता है उसी का यूज करके मैं इतनी अच्छी सब्जियां छत पर ग्रो करती हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर बनी हुई है हमारी ईंट से क्यारी। तो ईंट की मदद से मैंने यहाँ पर क्यारी बनाई है और इस क्यारी में मैंने लगाई हैं कुछ भिंडी के पौधे, साथ में यहाँ पर बीन्स भी लगी हुई है। तो मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि एक ग्रो बैग में 2 सब्जी लगा सकूँ, जिससे हमें एक ही ग्रो बैग से 2 तरह की सब्जी तोड़ने के लिए मिल जाती है और उसमें हमारी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो यहाँ पर बीन्स के साथ भिंडी के पौधे बहुत ही बढ़िया से ग्रो हो रहे हैं और इनमें बहुत ही अच्छे साइज की भिंडी लग रही है। तो देखिए भिंडी की साइज बहुत ही अच्छी है। भिंडी के बीज मैंने खरीदे नहीं हैं, पिछली बार जो भिंडी लगाई थी उसी से मैंने बीज को तैयार करके अब की बार मेरे छत पर लगाई है और देखिए कितनी अच्छी भिंडी हमें यहाँ से मिल रही है। और ये देसी बीन्स है, इनमें इस तरीके से हरे कलर की बीन्स लगती है। बहुत ही ज़्यादा संख्या में ये बीन्स लगती है और गुच्छों में ये लग रही है। तो ये हरे कलर की है इसलिए हमें दिखाई नहीं देती है और ढेर सारी बीन्स इनमें लगी हुई है। और ये जो क्यारी है वो अस्थाई है, हम कभी भी इसे हटा सकते हैं और कहीं पर भी इसे बना सकते हैं। तो क्यारी बनाने से हमें बहुत फ़ायदा होता है, एक साथ हम बहुत सारे पौधे इसमें लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये बैंगन के पौधे लगे हुए हैं जो कि पिछले साल के हैं और ये भरता बैंगन है। और बैंगन में जब इस तरीके से पत्ते पीले हो जाते हैं तब उन्हें हमें हटा देना है। और बैंगन के पौधे में अभी इस प्रकार की बीमारी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो ये एक ऐसे कीड़े होते हैं जो हमारे पौधे की ब्रांच में चले जाते हैं और ब्रांच को पूरा ख़राब कर देते हैं। तो समय समय पर हमें चेक करना है, जब भी पौधे की ब्रांच मुरझाई हुई दिखे उस ब्रांच को हमें तुरंत हटा देना है ताकि जो कीड़े हमारे पौधे पर लगे हुए हैं अंदर तक हमारे पौधे को ख़राब ना करें। और इस बैंगन के पौधे में आ रहे हैं ढेर सारे फूल और बैंगन भी इसमें बन रहे हैं। तो बरसात आते ही इनमें बहुत ही ज़्यादा बैंगन लगे हैं और अब भी इनमें बैंगन लग रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी पॉलीथीन में मिर्च का पौधा लगा हुआ है। तो जब भी मिर्च के पौधे में फूल फल आने लग जाते हैं तो इस तरीके से पत्तियां सिकुड़ने वाली बीमारी भी इनके साथ ही आ जाती है। तो इसके लिए हमें मिर्च के पौधे पर हमें जो कंडे की राख है उससे पत्तियों पर छिड़क देना है सूखी राख को, जिससे ये बीमारी आपके पौधे पर नहीं लगेगी। और मिर्च के पौधे में ही मैंने टमाटर के बीज लगा दिए हैं और यहाँ पर भी पौधे तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर सब पुराने बैंगन के पौधे हैं
और ये है कड़ी पत्ता, जिसे मैंने पौधे से ही लगाया है कुछ दिन पहले। तो अब ये इसमें अच्छे से सेट हो चुका है और अब इसमें नई ग्रोथ भी शुरू हो गई है। और ये सफ़ेद कलर का बैंगन है, जिसकी मैंने अभी कुछ दिन पहले सारी ब्रांच कट कर दी है और अब इसमें इस तरीके से नई ब्रांच आई है और इसमें फूल भी आ रहे हैं। और यहाँ पर एक ये छोटी सी पॉलीथिन में पालक के पौधे लगे हुए थे, तो अब पालक में इस तरीके से ढेर सारे बीज बन रहे हैं। जब ये बीज सूख जाएंगे तब हम इन्हें तोड़कर रख सकते हैं और इन बीज से हम ढेर सारी पालक उगा सकते हैं। तो छत पर बेकार पड़े हुए टायर का भी यूज मैंने किया है सब्जियां ग्रो करने के लिए। तो इस टायर में लगे हुए हैं प्याज, तो ये ख़राब जो प्याज हमारे हो जाते हैं उनसे ही मैंने इन प्याज को ग्रो किया है। और देखिए कितने अच्छे हरे भरे पत्ते अब इसमें आ चुके हैं। हम चाहें तो इन पत्तों को अब हम हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप सब्जियां छत पर उगाते हैं तो फूल वाले पौधे भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि फूल वाले पौधे से हमारे टेरेस गार्डन में मधुमक्खियाँ तितलियाँ आती है, जिससे हमारे जो पौधे लगे हुए होते हैं उनके फ्रूट बनने में काफ़ी मदद मिलती है। तो सामने की साइड मैंने फूलों वाले पौधों को लगाया है और इस चावल की पॉलीथिन में लगा हुआ है लेमन ग्रास, तो इसे मैंने पौधे से ही लगाया है और देखिए अब इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। अजवाइन के भी ढेर सारे पौधे लगे हुए हैं। अजवाइन बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है कटिंग से। और यहाँ पर भी एक भरता बैगन लगा हुआ है, लेकिन भरता बैगन को भी कीड़ों ने खराब कर दिया है। तो इस तरीके के बैगन को हमें पौधे पर से हटा देना है, क्योंकि जो ये बैगन है अब वैसे ही हमारे पौधे की एनर्जी ले रहे हैं और अब ये फ्रूट अंदर से इसमें कीड़े निकलेंगे। और ये बैंगन के पौधे भी सर्दियों में लगाए थे मैंने और इनमें अब इस तरीके से बैंगन लग रहे हैं। तो बैंगन के पौधे हैं जो 1-2 साल आराम से चल जाते हैं। अगर हम उनकी कटिंग करेंगे तो उनमें फिर से बैंगन आ जाते हैं। तो नई ब्रांच पे ही ज़्यादा अच्छे बैंगन लगते हैं, इसलिए जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे ही हमें इनकी कटिंग भी करना होती है। आगे की साइड गुड़हल के पौधे लगे हुए हैं। गुड़हल के पौधों की मैंने कटिंग की थी तो अभी तक इनमें फूल नहीं खिले हैं और बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो हो रहे हैं और पूरे हरे भरे और घने हो गए हैं। तो अब इनमें जो फूल खिलेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलेंगे और बहुत ही बड़े साइज के भी खिलेंगे। और यहाँ पर भी एक और क्यारी मैंने ईंट से तैयार की है। तो यहाँ पर भिंडी लगी हुई है, खीरा लगे हुए हैं, बीन्स के पौधे लगे हुए हैं, साथ में अरबी के पत्ते भी यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं। तो एक ही क्यारी में मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हैं जो कि अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं। और जो भी पत्ते हमारे यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं तो उन्हें हमें हटाकर रख लेना है और इनका भी हम खाद बना सकते हैं। तो टेरेस गार्डन में अभी भिंडी बहुत ही ज़्यादा हो रही है और बीच बीच में मैंने यहाँ पर तुलसी के पौधे भी लगाए हैं। तो तुलसी के पौधे लगाना भी बहुत अच्छा होता है, तुलसी से ज़्यादा कीड़े हमारे पौधे पर नहीं आते हैं। और मिर्च भी इसी क्यारी में मैंने लगा दी है और मिर्च में आप फूल भी आने लग गए हैं। और यहाँ पर खीरा का पौधा लगा हुआ है, तो देखिए ये खीरा तो नीचे ही लग गया है और बहुत ही बड़े बड़े साइज के खीरा इस क्यारी में लगे हुए पौधों में लग रहे हैं। और यहाँ पर हमारे मिर्च के पौधे तैयार हो रहे हैं और यहाँ पर भी मिर्च का पौधा लगा हुआ है, जिसमें कि ढेर सारे फूल आ रहे हैं। और ये मिर्च का पौधा मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया है। और इस ग्रो बैग में बैगन का पौधा लगा हुआ है, जिसे रिपोर्ट नहीं किया है, तो ये इसी में इस तरीके से बढ़ रहा है। साथ में इसमें कीड़े वाली बीमारी भी लग गई है, जिससे हमारी पूरी ब्रांच खराब हो गई है। तो टमाटर के पौधे भी मैंने अपने टेरेस गार्डन में लगा दिए थे, तो अब इन टमाटर के पौधों में अच्छी ग्रोथ भी हो रही है, साथ में इसमें ढेर सारे फूल भी आ गए हैं। इनके पौधे में तो टमाटर भी बन चुके हैं। और यहाँ पर
लगा हुआ है हमारा भरता बैगन। तो भरता बैगन में बैगन भी लग रहा है, देखिए कितने बड़े साइज का बैगन है। और अब हमें इस बैगन को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। अगर हम इस बैगन को हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो इसमें बीज बनने लगेंगे, जिससे हमारा पौधा धीरे धीरे खराब भी हो सकता है। तो इस बैगन को मैंने इस पॉलीथीन से ढक रखा है, पॉलीथीन में हवा आ जा सकती है, इसलिए हमारे बैगन को इससे कोई भी नुकसान नहीं है। तो ये मच्छर मक्खियों से बचाने के लिए मैंने इसे लगा दी है, ताकि हमारा बैगन खराब ना हो। और बैगन का पौधा ये बहुत ही घना है, क्योंकि इसकी पिंचिंग मैंने कई बार कर दी है। तो बहुत जल्द मैं यहाँ से इस बैगन को भी तोड़ने वाली हूँ। तो हार्वेस्टिंग वीडियो में आपको इसकी हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिल जाएगी। बैगन को हम छत पर बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं, किस प्रकार से उगाना है ये डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने उस वीडियो को अपलोड किया है। तो अब जो हम बैगन लगाएंगे, उन बैगन से हमें सर्दियों में बैगन तोड़ने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर अदरक के पौधे लगे हुए हैं, अदरक के पौधे में बहुत ही अच्छी पत्तियाँ आ रही हैं। इन पत्तियों का यूज भी हम चाय में डालने के लिए कर सकते हैं। और इस क्यारी में ढेर सारे भिंडी के पौधे भी लगे हुए हैं, और भिंडी के पौधे में इस तरीके से भिंडी लग रही है। और इस बड़े से ग्रो बैग में मैंने लौकी के पौधे लगाए हैं। तो देखिए अब यहाँ पर लौकी भी लगना शुरू हो गई है। तो लौकी को भी मैंने इस कपड़े से ढक रखा है, ताकि हमारी जो लौकी है उसमें कोई भी फ्रूट फ्लाई इस लौकी को ख़राब ना करे। और ये लौकी सूख गई है, क्योंकि इसका पॉलिनेशन नहीं हो पाया है। तो इस तरीके से अगर आपके भी लौकी छोटी छोटी होकर सूख जाती है, बढ़ती नहीं है, तो उसमें आपको हैंड पॉलिनेशन करना होगा, जिससे वो आगे बढ़ सके। अगर हमारे टेरेस गार्डन में मधुमक्खी नहीं आती है, इसलिए हमारी ये लौकी खराब हो जाती है और ये बढ़ती नहीं है। और साथ में खीरा भी लगे हुए हैं। अब की बार मेरे टेरेस गार्डन में बहुत ही ज़्यादा खीरा लग चुके हैं और लग भी रहे हैं। और टमाटर को भी मैंने अपने टेरेस गार्डन में लगाया है, इनमें आ रहे हैं ढेर सारे फूल। और यहाँ पर करेला है, गिलकी है, तोरई है, सभी बेल एक साथ फैल चुकी है। और इन्हें मैंने बड़े वाले ग्रो बैग में लगाया है। बेल वाली सब्जियों को हमेशा बड़े ही ग्रो बैग में लगाना चाहिए, अगर हमें इस तरीके से अच्छी फ्रूटिंग चाहिए तो। अगर हम छोटे वाले पॉट में लगाएंगे तो उनमें भी सब्जियां लग जाती है, लेकिन उनमें कुछ ही सब्जियां लगती है। जितना बड़ा ग्रो बैग होगा, उतनी ही ज़्यादा हमारे पौधे की बेल फैलती है, और उतनी ही अच्छी लंबे साइज की हमें वहाँ से सब्जियां तोड़ने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर भी ये टमाटर का पौधा लगा हुआ है, जिसे मैंने एक ख़राब टमाटर के बीज निकाल कर लगाया था। और देखिए अब इसमें इस तरीके से टमाटर भी बन रहे हैं। टमाटर लगाना बहुत ही आसान है, हम छत पर बहुत ही आसानी से टमाटर को लगा सकते हैं। तो देखिए बेल वाली सब्जियां कितनी बड़ी हो गई है, और इनकी बेल दूर दूर तक फैल चुकी है। तो जो भी ये सब्जियां लगी हुई है मेरे छत पर, ये सभी सब्जियां तोड़ने के लिए तैयार हो गई है। तो अब मैं कल इन सभी सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर लूँगी। अगर हम लगी हुई सब्जियों को नहीं तोड़ते हैं, तो फिर हमारा पौधा धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है। इसलिए हमें सही समय पर सभी सब्जियां तोड़ लेना चाहिए, उन्हें ज़्यादा देर तक पौधे पर नहीं रखना है। तो आपने देखा कि मेरे टेरेस गार्डन में कोई भी ग्रो बैग नहीं है, सभी जो ग्रो बैग है वो मैंने घर पर बनाए हैं। और जो इसमें मिट्टी भरी है, ये भी मैंने घर पर ही तैयार की है। तो मिट्टी में मैंने बहुत सारी चीज़ें मिलाई है, जैसे नीम के पत्ते, हल्दी पाउडर, चूना, राख, बची हुई चाय की पत्ती, इसी तरीके से ढेर सारी चीज़ मिलाकर मैंने मिट्टी को तैयार किया है। और उसी मिट्टी में ये इतनी अच्छी सब्जी यहाँ पर लगी हुई है। और मैं हर 5-6 दिन में अपने टेरेस गार्डन से ढेर सारी सब्जियों की हार्वेस्ट करती हूँ, बिल्कुल ताज़ी सब्जियों की। और पिछली हार्वेस्टिंग वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे भी ज़रूर देखिए। देखिए कि मैंने कितनी सारी खीरा, तोरई, लौकी और भी ढेर सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग की है।
अगर आप भी छत पर सब्जियां उगाना चाहते हैं तो आप फ्री में भी उगा सकते हैं। बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती है जिनके बीज भी हमारे घर पर ही होते हैं और पौधों के लिए खाद, बीज और भी कोई भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो हमारे घर पर सामान होते हैं हम उनका यूज करके भी बहुत अच्छी सब्जी छत पर उगा सकते हैं। तो अब सर्दियां आने वाली है तो अब मैं सर्दियों की सब्जी लगाना शुरू करने वाली हूँ। तो अभी ग्रो बैग खाली नहीं है इसलिए मैं अलग डिस्पोजल गिलास में या कोई भी छोटी सी पॉलीथीन में बीज से पौधे तैयार करने के लिए लगाने वाली हूँ। फिर वे एक महीने में तैयार हो जाएंगे, इतने में हमारे बहुत सारे ग्रो बैग भी खाली हो जाएंगे। तो उस मिट्टी का यूज करके मैं सर्दियों की सब्जी भी अपने छत पर लगाऊंगी। तो उम्मीद है आपको आज का टेरेस गार्डन टूर पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिली होगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी या सलाह है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और वीडियो को लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।